मुल्क के दीगर हिस्सों में इतनी गर्मी पड़ रही है कि रेत में रखा पापड़ जो है वो तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सयाह जो है यहाँ लुत्फ ले रहे हैं। जो बर्फ पड़ी है इस मौसम, जो अभी मई का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी जो है वो यहाँ बर्फबारी में जो है वो लोग जो है वो एंजॉय करते नजर आ रहे हो। खासकर मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि बैरून रियासतों से सयाह जो है काफी तादाद में इस गुलडंडा वादी में जो है आए हुए हैं और यहाँ जो है बर्फ का लुत्फ और इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। हमारे साथ जो है बैरून रियासतों से आए हुए जो है कुछ सयाह भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा फील हो रहा है बर्फ को देखकर और इस मौसम में कितना जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। क्या नाम है आपको और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रविंद्र मोहन कश्यप है, हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हम लोग यहाँ आए, ये बहुत ही प्यारी जगह है, भद्रवाह शहर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की वादियों में हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया और बर्फ में जो है पूरा, हम लोग 16 लोग आए थे, पूरे 16 लोगों ने पूरा मजा लिया यहाँ पे, बहुत एंजॉय किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया हमें, बहुत गर्मी है लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया हम लोगों को। सबसे अच्छी बात है कि बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब हर लोग फुल एंजॉय और बहुत मजा बहुत आ रहा है हम लोग को। तो बर्फ पड़ी हुई है यहाँ, तो इसको छूकर और इसके साथ खेलकर जो है कैसा अनुभव? बहुत मजा आ रहा है, हम लोगों ने तो इतना एंजॉय किया कि बता नहीं सकते, बहुत यहाँ से लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लगा है। जी बिल्कुल, पैसा वसूल जगह है और बहुत खूबसूरत, काफी एंजॉयमेंट वाली प्लेस है ये, आराम से आप आइए, बहुत खूबसूरत जगह है ये। और हम सबसे कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग को अगर एंजॉय करना है तो यहाँ से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिल सकती। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ आए और फुल एंजॉय करें, इन वादियों का आनंद लें और बर्फ में खेलें और रील भी बना सकते हो, इतनी अच्छी रील बहुत अच्छी बनती है। भी हमारे साथ जो है यहाँ के मुकामी भी हैं जो यहाँ गुलडंडा में जो है घूमने के लिए आए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा लग रहा है और यहाँ जो है ये गुलजार जो है वादी हुई है इसको देख के कैसा लग रहा है? Awesome and amazing लग रहा है, भद्रवाह बहुत आगे चला गया है, पर्यटन के नए दरवाजे, सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों से, आज राजस्थान, पूना, गुजरात, दिल्ली, लखनऊ से लोग यहाँ पे आके मजा ले रहे हैं स्नो पॉइंट का। आने वाला समय जो है भद्रवाह का है, मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे टूरिज्म के दरवाजे खुले हैं, आने वाले समय में भद्रवाह में कोई भी आपको अनएम्प्लॉयड यहाँ पे दिखेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये बदलाव धारा 370 को जब 2019 में हटा दिया गया, तब से नए दरवाजे जो है विकास और पर्यटन के जम्मू कश्मीर में खुले हैं, जिसकी जिंदा मिसाल आपके सामने है कि कितने पर्यटक देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे आ रहे हैं। 2019 से पहले जब धारा 370 थी तो जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है जिसको भद्रवाह हम कहते हैं, इसके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की गई थी कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, और अब उस डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा हो चुका है, वो समाप्त हो चुकी है। और लोग आइए, हम आह्वान करते हैं कि बीट एंड हीट का जो हमने नारा दिया है, जो इनिशिएटिव हमने भद्रवाह के लोगों ने लिया है, हम तमाम देशवासियों से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भद्रवाह में आए, यहाँ पे मजा ले। हमारा रिच कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन डिफरेंट है, नेचुरल सब कुछ है, यहाँ पे कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है, हर एक चीज नेचुरल है, यहाँ पे मजा लीजिए। यहाँ पे छतरगला पास है गुलंडा के पास, वहां पे भी स्नो पॉइंट है और आज पूरा भद्रवाह जो है जैम पैक्ड है, कहीं पे भी सोल्ड हो चुका है भद्रवाह, कहीं पे भी प्यार रखने की जगह नहीं है, इतने सैलानी भद्रवाह की तरफ आ चुके हैं। अब सरकार को भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि और ज्यादा भद्रवाह जो है प्रमोट हो। आपने देखा कि कैसे जो है यहाँ इस वादी में, इस जगह जो है, जो पर्यटक हैं, जो सयाह हैं, वो फुल एंजॉय जो है वो स्नो का ले रहे हैं, यहाँ जो बर्फ पड़ी हुई है इसका काफ़ी जो है वो एंजॉय ले रहे हैं, और जो बैरून रियासतों से खासकर जो सयाह आए हुए हैं उनके लिए ये बर्फ़ जो है किसी सौगात से कम नहीं है, और इसको छूना उनके लिए एक सपना पूरा होने से जो है वो कम नहीं है। और हम यही यहाँ से जो है तमाम लोगों से अपील करते हैं जो बाहर से सयाह हैं, जो कहीं जो इस गर्मियों में कहीं जाना चाहते हैं, वो इस वादी भद्रवाह की इन जगहों पर आएँ, यहाँ जो है लुत्फ अंदोज़ हो और जो अपने जो छुट्टियाँ हैं वो बिताने के लिए इन वादियों का रुख करे, ताकि इन वादियों में जो है वो लुत्फ अंदोज़ हो सके और उनकी छुट्टियाँ जो है बेहतर तरीके से इस गर्मी के मौसम में जो है बड़े ठंडे और बड़े प्लीजेंट वेदर में जो है बड़े बहुत बढ़िया जो है उस मौसम में जो है वो गुजर सकें। हमें दीजिए इजाज़त, आप देख है। वो कहते हैं आज चलेंगे।
आओ ना यार।